हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। आज मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जिसमें आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए जगह दे सकते हो। बहुत ही अच्छी कंपनी है। इस ग्रुप की जितनी भी कंपनी है ना, सभी बहुत ही अच्छा कर रही है। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाओ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये कंपनी बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकता है। अगर आप छोटा इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा। बस आपको पेशेंस को टेस्ट करेगा। और ये हाल ही के लिस्टिंग कंपनी है। लिस्टिंग होने के बाद ये स्टॉक अच्छा खासा गिर चुका है। मैं इस पर कई बार वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग खरीदो खरीदो, लेकिन शायद आप लोग नहीं खरीदोगे। तो अभी भी आप लोग खरीद सकते हो। और देखो, हम लोग को अपनी पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक को जगह देनी चाहिए जो अगर हम लोग किसी भी प्राइस में खरीद लेते हैं तो वो रिकवर होने का उसमें क्षमता हो। तो ऐसी कंपनी है ये, जिसमें आप किसी भी प्राइस पर खरीदोगे जैसे 10 महीना बाद, तो आपके प्राइस से वो ऊपर ही रहेगा, कभी भी नीचे नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत ही अच्छी कंपनी, अच्छा बिजनेस है। और जिस बिजनेस में है फ्रेंड, वो बिजनेस तो इतना जबरदस्त है, कभी खत्म ही नहीं हो सकता। आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देख लेता हूँ। और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिएगा, कंपनी का बिजनेस क्या है इसके बारे में पता कीजिएगा, तब जाकर उसमें पैसा लगाइएगा। देखिए, नेट सेल टर्नओवर जून 17 में था वो 390.42 था, और सितंबर 18 हो चुका है वो 480 हो चुका है। तो यहाँ पर नेट सेल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, 390 से 480 हो चुका है। टोटल इनकम दे लो, टोटल इनकम जून 17 में था वो 417 था, और सितंबर 18 हो चुका है वो 515.24 हो चुका है। तो यहाँ पे टोटल इनकम नेट सेल मुझे दोनों ही काफ़ी अच्छा लगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 17 में था वो 207.45 था, और सितंबर 18 हो चुका है वो 265.40 हो चुका है। तो देख लो, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है, 207 से 265 हो चुका है। एबिटा देख लो, एबिटा जून 17 में था वो 234.03 था, और सितंबर 18 हो चुका है वो 300.28 हो चुका है। तो मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एबिटा दोनों ही मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दियर, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दियर जून 17 में था वो 164.57 था, और सितंबर 18 हो चुका है वो 205.91 हो चुका है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पर भी काफ़ी अच्छा है, 164 से 205 हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। रिपोर्टेड पैद जून 17 में था वो 164.57 था, और सितंबर 18 हो चुका है वो 205.91 हो चुका है। तो फ्रेंड, मुझे यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख रहा हूँ। पहले आप क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देख रहे थे, देखिए इनका प्रीवियस रिजल्ट किस टाइप के हैं। नेट सेल टर्नओवर मार्च 14 में था वो 858.55 था, देख सकते हो 858.55, और मार्च 18 हो चुका है वो 1759.75 हो चुका है। देख लो कितना अच्छा इसका नेट सेल्स है, देख सकते हो किसी भी ईयर में इसका नेट सेल नहीं कम रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। देख सकते हो 858 से 1759 हो चुका है, काफ़ी अच्छा इसका नेट सेल्स है। टोटल इनकम दे, टोटल इनकम मार्च 14 में था वो 903.11 था, और सितंबर 18 में हो चुका है वो 1867.25 हो चुका है। तो देख लो, यहाँ पे टोटल इनकम भी काफ़ी ज़बरदस्त है, 903 से 1867 हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे नेट सेल, टोटल इनकम ईयर टू ईयर वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 14 में था वो 486.33 का था, और मार्च 18 हो चुका है वो 966.46 का हो चुका है। देख लो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना ज़बरदस्त है, और किसी भी ईयर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कम रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। 486 से 966 हो चुका है, काफ़ी जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर टू ईयर वाइज। एबिटा देख लो, एबिटा मार्च 14 में था वो 530.90 का था, और मार्च 18 में हो चुका है वो 1073.95 हो चुका है। देख लो इसका एबिट्टा भी कितना जबरदस्त है, 530 से 1073 हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एबिट्टा ईयर टू ईयर वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दियर, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दियर मार्च 14 में था वो 357.77 था, और मार्च 18 में हो चुका है वो 721.62 हो चुका है। तो देख लो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पर भी काफ़ी ज़बरदस्त है,
और किसी भी ईयर में कम भी नहीं आ रहा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। तो मुझे यहाँ पे फ्रेंड काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका रिजल्ट ईयर टू ईयर वाइज। पैट देख लो, पैट मार्च 14 में था, वो 357.77 था, और मार्च 18 में हो चुका है वो 712.62 हो चुका है। तो देख लो यहाँ पे पैट भी काफ़ी ज़बरदस्त है, 357 से 721 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है। HDFC AMC का मैं म्यूचुअल फंड के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, तो आपको जो पैसा लगाना है वो HDFC AMC में लगाना है। क्यों लगाना है? हम सभी लोग क्या करते हैं, हम सभी लोग को ज़्यादा रिटर्न चाहिए। बैंक में तो आजकल कितना रिटर्न मिलता है, FD में कितना रिटर्न मिलता है आप लोग को पता है, 8 से 7% रिटर्न मिलता है, और 9% में रिटर्न मिलता है। कई कई NBFC कंपनी देती है 9% रिटर्न, तो फिक्स डिपॉजिट में इतना ही रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो इससे दुगना रिटर्न मिलता है, और आप सब लोग को पता भी है। तो देखो ये सब कंपनी बहुत ही अच्छा कर सकती है, चाहे वो HDFC AMC हो, या फिर आदित्य बिरला AMC हो, या फिर रिलायंस का जो AMC है, ये सब कंपनी बहुत ही अच्छा करेंगे। और आने वाले समय में कई AMC और लिस्ट भी हो सकती है। L&T का AMC लिस्ट हो सकता है, एडलवाइज का AMC लिस्ट हो सकता है, कई और ग्रुप का AMC लिस्ट होगा, तो वो सब लिस्ट होगा। जब लिस्ट होगा तब मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो अभी आप लोग HDFC AMC में इन्वेस्ट कीजिए। मैं इस पर कई बार वीडियो बना चुका हूँ, HDFC AMC में कई बार बोल चुका हूँ कि आप लोग इन्वेस्ट कीजिए। जब ये बहुत गिर चुका था, 1250 रुपया हुआ था, मैं उससे वीडियो बनाया था, 1350 रुपया जब इसका स्टॉक का प्राइस था तब भी मैं बनाया था, जब क्योंकि मुझे लगता है कि ये कंपनी आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है, और देगा भाई। हम सभी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्यों नहीं देगा, और कंपनी काफ़ी अच्छी HDFC ग्रुप की है, अच्छी पैरेंटेज है, तो देगा ही रिटर्न। और मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा, आप लोग को पता ही होगा HDFC के बहुत सारी कंपनियाँ, कुछ लिस्टेड है, कुछ अनलिस्टेड कंपनी है, जैसे HDFC बैंक हो गया, HDFC हाउसिंग फाइनेंस हो गया, HDFC का जनरल इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, HDFC सिक्योरिटी हो गया, HDFC का म्यूचुअल फंड, आप लोग को मैं बता ही रहा हूँ इसके बारे में। तो ये सब कंपनी में जो काम करने वाले हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे आखिर भाई? वो लोग भी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, वो लोग को ज़्यादा रिटर्न चाहिए। वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो HDFC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर इनके क्लाइंट्स होंगे वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? वो करेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो कहाँ? HDFC के म्यूचुअल फंड में करेंगे। तो ऐसे फ्रेंड इन कंपनियों को बहुत फायदा होता है। अगर कोई बड़ा ग्रुप रहता है और उस कंपनी का AMC है तो उसको बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि उनके एम्प्लॉय भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे और इनके क्लाइंट तो इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी अब तक किस टाइप से रिटर्न दे चुकी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस कंपनी का लिस्टिंग का भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा। तो यहाँ पे 10 साल का भी नहीं शो करेगा, 3 साल का भी नहीं शो करेगा, 1 ईयर का भी नहीं शो करेगा, ईयर टू डेट का भी नहीं शो करेगा। मैं आपको 1 मंथ का दिखा दे रहा हूँ, तो देख लो 1 मंथ में जो रिटर्न दिया वो 10.25% रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है वो 2.74% रिटर्न है, 1 वीक में देख लो 1 वीक में 7.40% रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है 0.55% रिटर्न है, 1 डे में देख लो 1 डे में फ्लैट लगभग रिटर्न है। तो देखो ये ऐसी कंपनी है जिसमें पैसा बनेगा। इस कंपनी में क्या दिक्कत हो सकती है? इसमें ना तो NPA का प्रॉब्लम हो सकता है, कॉर्पोरेट इशू तो मैं सोच भी नहीं सकता, उसमें कभी कॉर्पोरेट इशू हो भी सकता है, क्योंकि ये HDFC ग्रुप की कंपनी है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। इस कंपनी को प्रॉब्लम कब होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब मार्केट यहाँ से 5,000 हो जाएंगे ना, तब इस कंपनी में गिरावट आ सकती है, और बहुत ज़ोर से ये गिरेगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन मार्केट देखो यहाँ से 5,000 भी हो जाता ना है, निफ्टी अगर 5,000 भी हो जाता है, तब भी निफ्टी यहाँ से 20,000 भी हो जाएगा, ठीक मैं आपको बता दे रहा हूँ। और HDFC एसेट मैनेजर कंपनी को खरीदिए, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, सेफ बिजनेस है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये स्टॉक यहाँ से 8 से 9 महीने में मुझे लगता है कि ये स्टॉक डबल हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 से 9 महीने में ये स्टॉक डबल हो जाएंगे। अगर नहीं भी होता है ना फ्रेंड, तब भी आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनी है जो आपको रिटर्न बना के देगा। बिजनेस के बारे में आपको पता है, बहुत ही अच्छी तरह से पता है। हम सभी लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, हालांकि मैं म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाता हूँ, मैं शेयर बाजार में पैसा लगाता हूँ, लेकिन जिनको नहीं आता वो तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं ना। तो आप लोग भी खरीदिए, इस कंपनी को खरीदिए, म्यूचुअल फंड से आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। HDFC AMC में बहुत ही अच्छी कंपनी है, अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो इस कंपनी में पैसा लगाओ। अगर वैल्यूएशन देखोगे तो वैल्यूएशन के चक्कर में तो कभी नहीं खरीद पाओगे ऐसी कंपनी। HDFC AMC का मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 82.8% की होल्डिंग है, FIS की जो होल्डिंग है वो 3.75% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है वो 1.04% होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं है, अदर DI पर जो होल्डिंग है वो 0.87% होल्डिंग है,
नॉन समर जो होल्डिंग है वो 11.53% होल्डिंग है, और यहाँ पे देख लो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर जो होल्डिंग है वो 52.83% की होल्डिंग है, और कोई भी शेयर HDFC AMC का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आपको मैं वैल्यूएशन भी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, वैल्यूएशन देख लो, पी रेशियो है वो 46.27 है, प्राइस टू बुक वैल्यू वो 11.73 है। तो ये स्टॉक लगभग 12 के मल्टीपल पर ट्रेड करता है। डिविडेंड यील्ड है वो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है डिविडेंड यील्ड, क्योंकि हाली का लिस्टिंग है तो अभी अच्छी तरह से अपडेट नहीं किया गया है। आरओसी देख लो, आरओसी जो लेटेस्ट है वो 44.85% का है। देख लो आरओसी कितना अच्छा है, देख सकते हो 44.85, काफ़ी अच्छा है भाई। आरओई भी देख लो, आरओई जो है वो 25.36, तो मुझे इसका आरओसी और आरओई काफ़ी जबरदस्त लगा है, और यहाँ पे वैल्यूएशन वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है। तो देखो ये स्टॉक कभी सस्ते दामों पे नहीं मिलने वाला है, जो अच्छी कंपनी होती है ना भाई उसका वैल्यूएशन आपको कभी सस्ते में नहीं मिलेंगे। बस क्या करना है ना, बस गिरावट आता है तो खरीद लीजिए। जैसे ये स्टॉक 1800-1900 रुपये से गिर के 1250 रुपया हो गया था, मैं आपको बताया भी था, तो इसको हर गिरावट में खरीदिए, कभी भी इसका वैल्यूएशन आपको सस्ते दामों पर नहीं मिलेगा। HDFC AMC का बेसिक प्राइस चल रहा है 1500 रुपया 30 पैसा, एनएसए प्राइस चल रहा है 1572 रुपया 85 पैसा, 52वीं जो हाई है वो 1969 रुपये 50 पैसा है, 52वीं लो है 1100 रुपया। सेंटीमीटर की बात करूँ तो 61% नंबर है बाई कीजिए, 36% नंबर है सेल कीजिए, 3% नंबर है होल्ड कीजिए। मार्केट कैप देख सकते हो, अच्छा खासा इसका मार्केट कैप है, 33,287 का मार्केट कैप शो कर रहा है, और यहाँ पे पी अभी नहीं शो कर रहा है, क्योंकि अभी हाल ही का लिस्टिंग कंपनी है तो अभी यहाँ पे अपडेटेड नहीं हुआ है। इंडस्ट्री पी देख सकते हो, इंडस्ट्री पी जो है वो 46.27 का इसका इंडस्ट्री पी है, और फेस वैल्यू 5 का है। और भी मैं कुछ दिखा देता हूँ, वैसे ये जीरो डेट फ्री कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि ये AMC कंपनी है तो जीरो डेट फ्री कंपनी होनी चाहिए। देख लेता हूँ HDFC AMC का नेटवर्क देख लो, 2159.97 का नेटवर्क है, और ये जो डेट फ्री कंपनी है जैसा कि आपको मैं बोला, देख सकते हो जो डेट फ्री कंपनी है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो 1950.56 का इन्वेस्टमेंट है, टोटल जो एसेट्स है वो 2159.98 का एसेट है। तो देखो ये जीरो डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। यहाँ पे भी देख सकते हो नेट प्रॉफिट कितना अच्छा खासा है, देख सकते हो जून 2017 में वो 164 था, और सितंबर 2018 हो चुका है 205 हो चुका है, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आते हैं। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। और आप लोग HDFC एसेट मैनेजर कंपनी को खरीदिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसमें ना तो NPA बढ़ने का खतरा है, ना एसेट क्वालिटी खराब होने का खतरा है, किसी भी चीज़ का मुझे खतरा नहीं लगता है। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए, आपका पैसा बनेगा, और ये सेफ भी कंपनी है भाई, अच्छी ग्रुप की कंपनी है, तो खरीद के रखो, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है ये, लाइफ टाइम वाला स्टॉक है, खरीद के रखिए, बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। धन्यवाद।